मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज बड़े ही भारी बंदोबस्त के बीच लोगों ने मतदान किया। बात करें मतदाताओं की तो सुबह मतदान केंद्र खुलने के बाद काफ़ी देर तक वोट डालने के लिए बहुत कम लोग अपने घरों से निकले थे, मगर जैसे जैसे समय बढ़ते गया लोग मतदान केंद्र पर पहुँचने लगे। जनता अपना फैसला वोट डालकर कर रही है। आज सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब ईवीएम का पिटारा खुलेगा 24 अक्टूबर को, लेकिन इसी बीच लोग अनुमान लगाना शुरू कर दिए हैं, कौन कितना वोट पाएगा कौन कितना वोट नहीं पाएगा। कुछ लोग तो यहाँ तक अनुमान लगा लिए हैं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। बहरहाल ये लोग अपना अपना फैसला नाके नुक्कड़ पर खड़े होकर अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये देखना होगा कि 24 अक्टूबर को कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जो वोटर हैं उनका क्या कहना है आप सुनिए। मुमरा में सारी जो इतने सारे प्रॉब्लम्स है खवातीन को लेके बच्चों को लेके वो पूरी तरह से सॉल्व हो सके इसके लिए। क्या लगता है आपको महंगाई और इस बारे में कोई मसला चल रहा है? महंगाई तो है, बहुत है। बताइए पूरी बात। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है और गरीबों के साथ जो हो रहा है, खवातीन जो है पूरी तरह से सेफ हो सके, बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके और इसी उम्मीद के साथ हमने नहीं क्या वोट किया है। महंगाई पे क्या इरादा है? महंगाई का है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही, बस उस पर कंट्रोल रहना चाहिए बस। बराबर हर साल हर 5 साल पे वोट डालते हैं हम लोग, कभी जाया नहीं जाता हम लोग का। एक बात ये भी बता दें कि मुमरा शहर में चुनाव में हर साल कुछ ना कुछ कमियां नज़र आती हैं, लेकिन इस बार ठाणे कमिश्नर विवेक फंसालकर अपने स्तर पर सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस बंदोबस्त लगा रखी थी। ऐसे में DCP SS भोरसे, ACP और मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कर्ण ने शहर के हालात और मतदान केंद्रों पर कड़ी नज़र रखी ताकि शहर में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।